जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने ये अल्लाह की कुदरत है, वो चाहता तो कुन से उसी वक्त सब कुछ हो जाता, लेकिन बहरहाल उसकी कुदरत है, उसकी मशीयत है। तो ये फरमा कर इरशाद हुआ, अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तरसाजों सामान के साथ मादूला दुल्हन और बराती सतह आप पर नमूदार हो गई और चंद लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफार ने आ आकर सैयदना गौसुल आजम अलैह रहमतुल्लाह अल अकरम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैह रहमतुर रहमान के भाईजान उस्ताद ज़मन हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान अलैह रहमतुल मन्नान ज़ौक़े नात में बारगाह गौसियत मुआब में अर्ज करते निकाला था पहले तो डूबे हुओं को, निकाला था पहले निकाला था पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा से आलम और अब डूबतों को बचा कसम है के मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है के मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त यासे आलम, कहा हमने जिस वक्त मेहरबानी होगी आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप चलिए फरमाइए, कोई ऐसी बात मौलाना साहब कीजिए कि जो सीधी साधी अकल वालों को भी आ सके। क्या कभी कोई आदमी भी मुर्दे जिंदा कर सकता है? ये आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो क्या अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं? क्या कुरान से ये बातें साबित हैं? मेरे भाई, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर पता है कि औलिया किराम को जो भी तसरुफात दिए गए वो अल्लाह ताला ने अता किए। अब मुर्दा जिंदा करने की बात करते हैं तो अगर मैं कुरान से साबित कर दूं तो कि अल्लाह के सिवा कोई और भी तो क्या जिंदा कर सकता है? मान लो कुरान में है क्या? आप मान लोगे? आप बता दें इंशाल्लाह। फिर आपको मदनी काफिले में सफर करना होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मुतमईन हो गए तो इंशाल्लाह। ये इतने ईसाई भाई हजारों लाखों मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह करे भी मुतमईन हो जाए अगर इनमें कोई वसवसे का शिकार हो तो। नहीं इंशाल्लाह, मैं आपकी तरफ से सबसे कहता हूँ इंशाल्लाह तो ये सब काफिलों में सफर करेंगे। आप मेहरबानी करके कुरान से बता दें किस किस को वसवसे, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। मेरे भाई सभी औलिया किराम के मानने वाले हैं। नहीं हजरत ऐसा नहीं, आप देखें बहुत से इस्लामी भाइयों के जहन में सवाल होगा कि ये क्या ये आदमी मुर्दे जिंदा कर सकता है? जिन जिन के जहनों में आदमी मुर्दे जिंदा कर सकता है, जिन जिन के जहनों में वसवसे हाथ खड़ा करें। किसी के भी देखो कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। मतलब ये जो अभी आपने बताया कि दुनिया भर में लोग आपको सुन रहे हैं तो वहां भी तो होंगे ना? ये भी है। आप चलो चलो मैं जान छुड़ा नहीं रहा। ये फैजान मदीना में ठीक है इतने सारे इस्लामी भाई जमा, उनको वसवसे नहीं आते होंगे। अच्छा अच्छा ये बताइए कि आपको मैंने जब वली की करामत सुनाई कि वली ने मुर्दे जिंदे किए तो आपको वसवसे आ गए। तो वली खुदा नहीं है, ठीक है, और नबी भी खुदा नहीं है, ठीक है, नबी भी खुदा नहीं होता। तो मैं आपको नबी का मौजिजा सुनाता हूँ मुर्दे जिंदे करने का, मान लोगे इंशाअल्लाह। तो आप सूरा लिख लो पारा तीसरा सूरह आले इमरान आयत नंबर 49।
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والے صلات و السلام کا ارشاد قرآن پاک نے نقل کیا, ابرئ الاکمہ والابرص و احیی الموتا باذن اللہ. ترجمہ کنز الایمان, میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے کو, اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ میں نے اگر ترجمہ غلط کیا ہو. قرآن پر تو ایمان لاتے ہیں لائے ہیں الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت جلدی سمجھ میں آ گیا. تب کتنے دن کے قافلے میں سفر کریں گے؟ آپ حکم فرما دیں انشاءاللہ 12 دن کے انشاءاللہ قافلے میں. میں 92 دن سوچ رہا تھا انشاءاللہ 92 دن مدنی قافلے میں سفر انشاءاللہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی, غوث پاک کی کرامت ہے یا اولیاء کرام کی جو بھی کرامت ہے نا, یا اولیاء کرام کا دینا مدد کرنا, ان کے تصرفات, یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی اللہ کی عطا سے, اللہ نے ان کو قوت طاقت بخشی ہے اسی سے. اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا, اور اب تو مطلب ہے کہ سائنس نے بھی بڑے کمالات حاصل کر لیے. دیکھیے دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا, میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے, یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 186,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی. مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے, اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس ہو جائے تب بھی دریافت